नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पे देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट एंड मेजरमेंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चाहे आप राजस्थान पीटीआई ग्रेड 3, ग्रेड 2 और आरपीएससी लेक्चरर या फिर यूपी टीजीटी और नवोदय विद्यालय किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से 5 to 6 क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों का 2021 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको कम से कम 10 क्वेश्चन इस सिंगल टॉपिक से मिले थे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को रिवाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें आगामी परीक्षाओं में। तो इसी पर्पज़ से हम आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेके आ गए हैं, जिसमें हमने प्रीवियस हेल्ड वे एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चंस को हमने सिंगल वीडियो में लाने की आपके लिए कोशिश की है। तो मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, एंड लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। मैच द फॉलोइंग रिलेटेड क्वेश्चन देखिए यहां पे पूछा गया है, और आपको बता देते हैं सही सीक्वेंस या सही मैच क्या होगा। तो देखिए, मैकडोनाल्ड टेस्ट इज रिलेटेड टू सॉकर, यानी कि फुटबॉल आप सभी को पता है। लॉकर्ट एंड मैकपर्सन टेस्ट जो है, इसका संबंध किससे होता है, तो बैडमिंटन से। डायर टेस्ट इज रिलेटेड टू टेनिस, एंड रसेल लॉन्च टेस्ट इज रिलेटेड टू वॉलीबॉल। तो देखिए, सही आंसर हम आपको यहां पे बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। एक परीक्षण का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है, एंड देखिए यूपी पीजीटी 2016 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। परीक्षण के प्रशासन और स्कोरिंग के लिए दिशा निर्देश की स्पष्टता, दिस इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, जब छात्र घुमावदार दौड़ कर रहे होते हैं तो उनके शिक्षक का लक्ष्य जानना होता है कि वो कितने, और क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर सी, कितने चपल हैं, यानी कि कितनी ज्यादा एलिजिबिलिटी उनमें पाई जाती है, यह मुख्य उद्देश्य होता है अध्यापक का अगर वह घुमावदार दौड़ यानी कि जिग जैग रन जो है वो परफॉर्म करवा रहा है स्टूडेंट से। तो दिस इज करेक्ट आंसर, उनकी एजिलिटी के बारे में पता करना चाहता है शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, देखिए यहाँ पे बैडमिंटन में द फ्रेंच शॉर्ट सर्विस परीक्षा सही सर्विस करने की किस क्षमता को मापता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि बैडमिंटन में जो द फ्रेंच शॉर्ट सर्विस परीक्षण होता है, तो सही सर्विस करने की, तो वो किस प्रकार की सर्विस को मेजर करने का तरीका होता है बैडमिंटन में, एंड ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, नीची। ओके, दिस इज करेक्ट आंसर। बैडमिंटन में द फ्रेंच शॉर्ट सर्विस परीक्षा सही सर्विस करने की लो क्षमता को मापता है, दिस इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा घटक परीक्षण की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करता, कौन सा जो घटक है परीक्षण की वस्तुनिष्ठता को प्रभावित नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, परीक्षण की अवधि, दिस इज करेक्ट आंसर। दोस्तों, आपको बता दें कि जो एक अच्छा टेस्ट होता है उसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं टेस्ट को, तो सबसे पहले होता है रिलायबिलिटी, देन वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सभी जो होते हैं फैक्टर्स जो हैं मेन यहाँ पे रोल प्ले करते हैं प्रभावित करने में मेजरमेंट को। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, JCR परीक्षण मापता है, तो JCR जो है वो कौन सा परीक्षण मापता है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सामान्य गामक योग्यता, यानी कि जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट को मेजर करने का सबसे अच्छा जो मेजरमेंट होता है वो होता है JCR। और देखिए, इस JCR का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, जे का मतलब होता है वर्टिकल जंप, ओके वर्टिकल जंप, सी का मतलब होता है चिनिंग अप,
एंड रन का मतलब होता है शटल रन, ओके। तो ये यहाँ पे आपको फुल फॉर्म समझ में आ गया, वर्टिकल जंप देन चेनिंग अप देन शटल रन, ये यहाँ पे फुल फॉर्म होता है। और बता दें आपको कि यह टेस्ट बी ई फिलिप्स के द्वारा 1957 में जो है मूलभूत मोटर एबिलिटीज स्किल्स का प्रदर्शन जो है मेजरमेंट करने के लिए ये वाला ये टेस्ट बताया गया था, जिसमें शामिल है शक्ति, गति, चपलता और सहनशीलता से संबंधित जनरल मोटर एबिलिटीज को मापने के लिए यह बनाया गया था, ओके। यूपी पीजीटी और टीजीटी के स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज अभी चल रही है, अन्य परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस भी हम आपको जल्दी ही बताने वाले हैं इसी वीडियो में, तो वीडियो को पूरा पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। किस प्रकार के परीक्षण के लिए मानक बनाते समय लड़कियों एवं लड़कों में अंतर देखना आवश्यक नहीं होता, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण के लिए परीक्षण या टेस्ट बनाते समय या स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स बनाते समय लड़के एवं लड़कियों में अंतर देखना आवश्यक नहीं होता। और देखिए इसके अलावा कौशल परीक्षण, तंदुरुस्ती परीक्षण एवं एथलेटिक्स परीक्षण, ये सभी जो है इनको देखना जरूरी होता है जब हम लड़के एवं लड़कियों के लिए टेस्ट प्रिपेयर करते हैं उस वक्त। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाइयों को मापने के लिए उपयोग किए जाने उपकरण वाले उपकरण को क्या कहते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एर्गोमीटर इज करेक्ट आंसर। व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों की इकाई को मापने के लिए जो जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे एर्गोमीटर कहते हैं। एर्गोमीटर ग्रीक शब्द एर्गन से आया है जिसका अर्थ होता है काम, और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप, ओके। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हो गया वो हो गया कार्य मापक, किए गए कार्यों की इकाई को मापने वाला उपकरण। एक टेस्ट जिसमें स्कूली बच्चों को पास पास रखी हुई चीजों या बाधाओं को पार करते हुए दौड़ना होता है उसे कहा जाता है, तो कौन सा टेस्ट होता है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ईयर, चपलता जांच यानी कि एजिलिटी टेस्ट की बात यहाँ पे की जा रही है कि पास पास रखी हुई बाधाओं को पार करते हुए दौड़ना होता है, तो दिस इज रिलेटेड टू एजिलिटी टेस्ट यानी कि चपलता टेस्ट से इसका संबंध है। नेक्स्ट, कूपर के 12 मिनट वॉक एंड रन टेस्ट की जो इफेक्टिविटी है वो व्यक्ति के डैश मूल्यांकन की योग्यता होती है, तो बताइए दोस्तों कूपर का जो 12 मिनट वॉक एंड रन टेस्ट जो है वो कौन से स्किल या एबिलिटी के मेजरमेंट के लिए एक प्रकार का टेस्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको बता दें यहाँ पे ए इज करेक्ट ईयर, सहन शक्ति। जी हाँ दोस्तों, जब भी कभी कुछ देर तक, कुछ मिनटों तक चलने की बात है या काफी देर तक दौड़ने की बात है तो निश्चित तौर पे वहां पे एंड्योरेंस से जो एंड्योरेंस से संबंधित जो है परीक्षण की बात की जा रही है कि कितनी देर तक थकान की अवस्था के विरुद्ध भी कोई व्यक्ति कितनी देर तक चल सकता है, दौड़ सकता है, कोई कार्य कंटिन्यू कर सकता है, तो उसे कहते हैं एंड्योरेंस यानी कि सहन क्षमता, यानी कि थकान की अवस्था के विरुद्ध भी जब हम देर तक काम करते हैं उसे कहते हैं पुल अप लड़कों के लिए, और हाथ लटकाना यानी कि आर्म हैंग जो है होता है लड़कियों के लिए। युवाओं के तंदुरुस्ती परीक्षण AAPHER मतलब ऑफर की बात की जा रही है यहाँ पे, क्या मापने के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पे, पहले आपको हम बता दें ऑफर टेस्ट की, यानी कि जिसका फुल फॉर्म, जिसका जो मेन जो होता है फुल फॉर्म वो क्या होता है आपको बता दें, ऑफर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो अमेरिकन एलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस, ओके, फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। तो ऑफर्ड का जो फुल फॉर्म है वो हमने आपको बता दिया, और ऑफर जो है वो इसमें 6 बैटरी आइटम्स शामिल होते हैं, और ये मेनली मोटर एबिलिटीज यानी मोटर फिटनेस को मापने के लिए एक प्रकार का टेस्ट होता है। आपको बता दें तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसकी जो 6 बैटरीज होती हैं उनमें से जो पहला होता है पुल अप लड़कों के लिए, और जो आर्म हैंग होता है लड़कियों के लिए, तो वो जो है पूछा जा रहा है इसमें कि किस चीज को मापने के लिए इन दोनों बैटरीज का यूज यहाँ पे किया जाता है, ओके दोस्तों। तो मूव करते हैं हम ऑप्शंस की तरफ, तो देखिए
बात की जा रही है हाथ और कंधे की मजबूती को मापने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जिन दो टेस्ट बैटरीज की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी कि पुलअप्स, यानी कि लड़कों के लिए जो होता है, तो वो हाथ लटक और हाथ लटकाने के लिए जो लड़कियों के लिए जो परीक्षण या टेस्ट होता है, तो वो मेनली हाथ और कंधे की मजबूती मापने के लिए परीक्षण होते हैं। ओके, और इसमें 6 बैटरीज आइटम शामिल होते हैं। जो बाकी आइटम्स हैं, टेस्ट आइटम्स हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से क्या अच्छे परीक्षण का मानदंड नहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। अपनी प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको ये क्वेश्चन करा दिया है। सब्जेक्टिविटी जो है वो एक अच्छे टेस्ट का जो है क्राइटेरिया नहीं होता। और इसके अलावा देखिए, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता एवं वैधता जो है, ये तीनों टेस्ट आइटम में शामिल किए जाते हैं। ओके, और देखिए वैधता यानी कि वैलिडिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो परीक्षण उसी गुण को मापे जिसके लिए उसका उपयोग किया जाता है, तो उसे हम वैलिड या वैलिड टेस्ट कहेंगे, या वैलिडिटी से इसका संबंध होता है। और विश्वसनीयता का मतलब आपको बता दें, विश्वसनीय परीक्षण का क्या मतलब है कि यदि एक ही व्यक्ति पर समान परिस्थितियों में उसी परीक्षण से दो या दो से अधिक बार माप किया जाए और उसका परिणाम लगभग समान हो, तो उसे हम रिलायबल टेस्ट के रूप में जानते हैं, यानी कि इसे रिलायबिलिटी के रूप में जाना जाता है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, निम्न में से किस परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता? जी हाँ दोस्तों, नहीं वर्ड जरूर देखिए आप पहले कि नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बता दें आपको यहाँ पे, सी इज करेक्ट हियर। 12 मीटर वॉक एंड रन टेस्ट, तो पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया है कि 12 मीटर वॉक एंड रन टेस्ट जो कि कूपर के द्वारा दिया गया था, तो इसमें एंड्योरेंस का मेजरमेंट किया जाता है, ना कि यहाँ पे मांसपेशियों की सहन शक्ति की बात की गई है। ओके, तो देखिए मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए जो टेस्ट लगाए जाते हैं वो क्या क्या है देखिए, तो सिटअप हो जाएगा, ओके, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग हो जाएगा, और दूर तक चलना, ये जो होते हैं यहाँ पे, ये सभी जो है मांसपेशियों की सहन शक्ति को मापने के लिए होते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, भारत में राष्ट्रीय फिटनेस कोड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1965 इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय फिटनेस कोड की स्थापना 1965 में की गई थी। लेट्स मूव टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को पूरा पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैकडोनाल्ड फुटबॉल परीक्षण में क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, बैकबोर्ड पर फुटबॉल को जमीन पर गिरे बिना मारना। मैकडोनाल्ड फुटबॉल परीक्षण में शामिल होता है बैकबोर्ड पर फुटबॉल को जमीन पर गिरे बिना मारना, दिस इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, देखिए NVS TGT 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्किट ट्रेनिंग का आविष्कार एंडरसन एंड मॉर्गन ने किया था, ओके, और 1953 में किया था। क्वेश्चन में ही आपको बता दिया गया है, अब पूछा जा रहा है कि कहां पर किया था, तो बताइए दोस्तों क्या होगा करेक्ट आंसर। लीड्स यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में सर्किट ट्रेनिंग का जो डेवलपमेंट है वो एडम्सन एंड मॉर्गन के द्वारा 1953 में किया गया था। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यवेक्षक की वह प्रवृत्ति जिसके तहत वह किसी व्यक्तिगत प्रदर्शन को अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर मूल्यांकन करता है, या किसके द्वारा बताया गया है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, ये कौन सा इफेक्ट होता है ये पूछा जा रहा है, तो ये हॉलो इफेक्ट होता है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निस्तर गति उत्पादक परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, निस्तर का मतलब होगा आई थिंक कंटिन्यूस, निस्तर गति उत्पादक परीक्षण द्वारा क्या मापन किया जाता है, तो अबाध वेग में जोड़ों की गति, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, शारीरिक शिक्षा का मुख्य संबंध मानव की गति से है, शारीरिक शिक्षा के इस स्वरूप को किसने चिन्हित किया है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, दैट आफर, अगेन बात की जा रही है अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस की। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है,
और इसका जो है इसको इसके बारे में किसने बताया था, तो पॉल हनसिकर ने 1958 में इसके बारे में बताया था, जिसमें पहले 7 टेस्ट आइटम्स शामिल थे लेकिन अभी करेंटली 6 बैटरी आइटम्स इसमें शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रीय खेल योग्यता स्पर्धा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ईयर 1985 में। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षण पुनः परीक्षण टेस्ट रीटेस्ट परीक्षण विधि ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होती है, तो कौन सी एबिलिटी को ज्ञात करने के लिए होती है, कौन से फैक्टर के लिए? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ईयर रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता को मापने के लिए टेस्ट रीटेस्ट मेथड का प्रयोग किया जाता है। रिलायबिलिटी मीन्स विश्वसनीयता, ऑब्जेक्टिविटी मीन्स वस्तुनिष्ठता और वैलिडिटी मीन्स होता है वैधता, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट हार्वर्ड स्ट्रिप टेस्ट का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है? तो हृदय की सहन क्षमता या हृदय की क्षमता का मापन, दिस इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाना गामक परीक्षण में सम्मिलित नहीं है, तो देखिए क्या सम्मिलित नहीं होता है इंडियाना मोटर एबिलिटी टेस्ट में बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हियर यानी कि 60 सेकेंड स्क्वाड जो है इसमें शामिल नहीं होता। तो देखिए इंडियाना मोटर एबिलिटी टेस्ट में जो शामिल होते हैं वो क्या है? चिनिंग अप, स्ट्रैडल चिनिंग, पुशअप्स, स्टैंडिंग वर्टिकल जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप और स्क्वाड थ्रस्ट, ये सभी टेस्ट बैटरीज शामिल किए जाते हैं इंडियाना मोटर एबिलिटी टेस्ट में। हार्वर्ड स्ट्रिप टेस्ट किस वर्ष बनाया गया था? 1943 में ल्यूसिन एंड ब्रोहा के द्वारा हार्वर्ड स्ट्रिप टेस्ट को बताया गया था। नेक्स्ट, फिटनेस ग्राम गति दृढ़ता सेहत के कौन से पहलू का मूल्यांकन करती है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ईयर हृदय वाहिनी सहनशीलता यानी कि अगेन कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस से रिलेटेड बात यहाँ पे की जा रही है। एक्सरे के माध्यम से कौन सी आयु का पता लगाया जा सकता है? तो शरीर संरचनात्मक आयु। और दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है राजस्थान पीटीआई में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। RSMSSB ग्रेड 3rd 2018 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन राजस्थान पीटीआई से रिलेटेड, जैव धारिता को माप किसके द्वारा मापा जाता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ईयर स्पाइरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग ताकत को इनमें से किसके द्वारा मापा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ईयर स्टेडियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के वर्गीकरण हेतु मैक क्लॉय फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ईयर ये देखिए इसका फॉर्मूला होता है 4IU प्लस हाइट प्लस भार अपॉन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग हृदय श्वसन क्षमता सबसे उत्तम किससे मापी जाती है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ईयर हार्वर्ड स्ट्रिप टेस्ट के द्वारा हृदय श्वसन क्षमता सबसे उत्तम तरीके से मापी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट परीक्षण का प्रयोजन किसके माध्यम से मापा जाता है? ओके, एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ईयर स्प्लिट हाफ पद्धति के द्वारा जो है परीक्षण का प्रयोजन जो है वो मापा जाता है। ओके, यानी कि मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंबवत कूद द्वारा शक्ति को मापने को और किस रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बता दें आपको बी इज करेक्ट, ईयर लंबी कूद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग क्रॉस वेबर टेस्ट क्या मापता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड क्रॉस वेबर टेस्ट मापता है न्यूनतम मांसपेशी शक्ति। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण हृदय वाहिका सहिष्णु क्षमता का मापन करता है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, उपयुक्त सभी यानी कि टटल पल्स रेशियो टेस्ट नंबर 1, हार्वर्ड स्ट्रिप टेस्ट नंबर 2 एंड रन एंड वॉक टेस्ट नंबर 3, ये सभी जो है हृदय वाहिका यानी कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस के मेजरमेंट के लिए उपयोगी होते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। लचक की माप हेतु किया जाने वाला परीक्षण निम्न में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ईयर टीची टेस्ट। फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए लचक का मतलब होगा यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के मेजरमेंट के लिए जो यूज किया जाता है वो टेस्ट है टीची टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी टीची। ओके, रूलर ड्रॉप टेस्ट जो होता है वो प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइप के
रिएक्शन टाइम के मेजरमेंट के लिए होता है, मेडिसिन वॉल थ्रो विस्फोटक शक्ति के लिए और टीची टेस्ट लचक के लिए। ऑफर्ड का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फॉर फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ फिजिकल एजुकेशन रिक्रिएशन एंड डांस। ये फुल फॉर्म होता है ऑफर का। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, हार्वर्ड स्ट्रिप परीक्षण विकसित किया गया था किसके द्वारा? कई बार बता दिया हमने, ल्यूसिन एवं ब्रोहा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, गति मापन सर्वोत्तम रूप से किया जा सकता है निम्न में से किन विधियों के द्वारा? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 100 मीटर तेज दौड़ यानी कि स्प्रिंट रेस के द्वारा गति मापन सर्वोत्तम रूप से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट है, तो हम आपको सही मिलान बता देते हैं क्या होगा। वैज्ञानिक कदाचार कार्यकलाप जो होते हैं उनमें प्रतिबंध, नेक्स्ट वैज्ञानिक गलतियां जो होती हैं उनमें वो स्पष्ट, गैर प्रकाशन आंकड़े जो है वो फर्जी आंकड़े, और साहित्यिक चोरी जो है वो उपचारात्मक। ये यहाँ पे सही मैच द फॉलोइंग है। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 12 मिनट रन वॉक टेस्ट किसका मेजरमेंट करता है? तो शक्ति एवं सहनशीलता का यानी कि एंड्योरेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का मोटापा मापने का यंत्र कौन सा है? तो स्किन फोल्ड कैलिपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। स्किन फोल्ड कैलिपर शरीर का मोटापा या लीन बॉडी मास को मापता है। व्यक्ति की लंबाई की मापन का उपकरण कौन सा होता है? तो पहले ही हमने बता दिया है, स्टीरियोमीटर इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे, टेस्ट एंड मेजरमेंट से टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन। स्टीरियोमीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए किया जाता है? तो ऊंचाई के लिए, आप सभी को पता है। शरीर में वसा की मात्रा का अनुमान लगाने है तो जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है वो कौन सा है? स्किन फोल्ड कैलिपर। ECG का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज करेक्ट आंसर। ECG का फुल फॉर्म जो होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तदाब को मापने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा पूछा जाता है सभी एग्जाम्स में, स्फिग्मोमैनोमीटर इज करेक्ट आंसर। रक्तदाब को मापने वाले यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर के नाम से जाना जाता है। डायनेमोमीटर यंत्र किसी व्यक्ति की शक्ति मापन का कार्य करता है। इस यंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, अमेरिका। गोनियोमीटर क्या मापने में प्रयुक्त तो होता है? तो फ्लेक्सिबिलिटी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए, और आपको बता दें करेक्ट आंसर क्या है, फेफड़ों की क्षमता या वाइटल कैपेसिटी के मेजरमेंट के लिए होता है स्पाइरोमीटर। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है तो क्या प्रयोग किया जाता है? एंड्योरेंस के लिए ट्रेडमिल इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, किसी टेस्ट के चयन के लिए क्या मानदंड आवश्यक है? तो देखिए, नंबर 1 वैज्ञानिक प्रमाणिकता, नंबर 2 प्रशासनिक दृष्टिकोण से उपयुक्त हो, नंबर 3 शैक्षणिक प्रयोग हो, ये सभी जो है वो रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथ्रोपोमेट्रिक मापन को अत्यधिक सही और विश्वसनीय बनाने के लिए कम से कम कितनी बार मापना आवश्यक होता है? कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको अपनी ओल्ड सीरीज में बता चुकी हूँ, तो इसका आंसर आप देख लीजिए, 2 बार मापना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, किसी परीक्षण का जो नॉर्म होता है उसमें किस आधार पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, उम्र, लिंग या वर्ग के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस स्थान पर स्किन फोल्ड कैलिपर मापन नहीं लिया जाता? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, हथेली पर जो है स्किन फोल्ड कैलिपर नहीं लिया जाता। तो कहाँ कहाँ लिया जाता है? देखिए, काफ मांसपेशी, बाइसेप्स एवं पेट, यहाँ पे जो है मापन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट, किसी परीक्षण की वैधता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, परीक्षण को उसी
से मिलते जुलते परीक्षण से संबद्ध करके लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग 30 सेकंड सेटअप से किसका परीक्षण होता है, पेट की शक्ति, सहन शक्ति और गति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलकूद में स्कोलियोसिस को का उच्च दर देखा गया है, किसमें देखा गया है, तो जिम्नास्ट और तैराक में देखा गया है स्कोलियोसिस का उच्च दर, ओके, जिम्नास्ट और तैराक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट इस विकृति को स्पिनोग्राफ द्वारा भी देखा जा सकता है, कोई भी मेजरमेंट तब तक प्रभावी माना नहीं जाएगा जब तक वह कार्यान्वित किया जाता है, एंड द करेक्ट आंसर उच्च श्रेणी के योग और प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट बेसल मेटाबोलिक रेट में व्यक्ति दर व्यक्ति भिन्नता हो सकती है परंतु यह शक्ति की मात्रा पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, शारीरिक गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर केनेथ कूपर किसके व्याख्याता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 12 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक संरचना को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र कौन सा है, तो स्किन फोल्ड कैलिपर इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, JCR परीक्षण में शामिल होता है, क्या शामिल किया जाता है, तो सर्जेंट जंप, चिनिंग अप एंड शटल रन, ओके दिस इज करेक्ट। मोटर एबिलिटी टेस्ट होता है यहाँ पे JCR, आपको बता दें। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो सी यानी ऑप्शन नंबर सी यानी ल्यूसिन एंड रोहा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट किसके मापन के लिए बेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो जैविक क्षमता यानी वाइटल कैपेसिटी के मेजरमेंट के लिए जैविक क्षमता का प्रयोग किया जाता है, सॉरी जैविक क्षमता के मेजरमेंट के लिए बेट स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एलाइनोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त तो होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, भंगिमा यानी कि पोशियर, एलाइनोमीटर से पोशियर का मापन किया जाता है। निम्न में से क्या प्रदर्शन में निरंतरता दर्शाती है, ऑप्शन नंबर टू इज करेक्ट हियर, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट भंगित मापने के लिए यानी कि पोस्चरल डिफॉर्मिटी को मापने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण उपयोगी होता है, तो एलाइनोमीटर एंड स्कोलियोमीटर दोनों ही यहाँ पे सही ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। थोड़े से क्वेश्चंस और बाकी हैं दोस्तों, तो वीडियो को पूरा पूरा जरूर देखिएगा। फुफ्फुस की क्षमता मापने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपकरण उपयोगी होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, वेट स्पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेडमिल का उपयोग इसे मापने में होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, भागने में किया गया कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा जांच के लिए कौन सा मानदंड खेल नहीं है, एक अच्छे जांच के लिए कौन सा जो क्राइटेरिया है वो सही नहीं माना जाता, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सब्जेक्टिविटी इज नॉट अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए वस्तुनिष्ठता मतलब यह मापन की प्रक्रियाओं और उपकरणों की ओर इंगित करता है जो विभिन्न परीक्षक काम में लाते हैं, ओके, और परीक्षक एक दूसरे से सहमत है तो मापन जो है वो ऑब्जेक्टिविटी उसकी है यानी कि ऑब्जेक्टिव है, सही है। नेक्स्ट, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का अर्थ है कि निर्णय व परिणाम कितने विश्वसनीय हैं। नेक्स्ट, वैलिडिटी, जो परीक्षण सत्य हो और समंजित हो वही वैध माना जाता है, दिस इज करेक्ट आंसर, ओके। लेट्स मूव टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधी क्षमता को यानी दक्षता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण उपयोग करेंगे, NVS TGD 2016 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट वीडियो क्वेश्चन हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं, तो पूरा पूरा देखिएगा। ऑप्शन नंबर बता दें आपको यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, सॉरी सी इज करेक्ट हियर, 6 मिनट का पैदल चाल परीक्षण, ये यहाँ पे सही ऑप्शन है। वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधी दक्षता की बात की जा रही है तो 6 मिनट का पैदल चाल परीक्षण ही आवश्यक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफर्ट परीक्षण युवा में किसके माप करने में सहायता की जाती है, तो UPTGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, मोटर फिटनेस के मेजरमेंट के लिए ऑफर्ड टेस्ट जो है उस जो है इसका संबंध होता है मोटर फिटनेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग दैट BMI शरीर का आकार सूचकांक मोटापा जानने के लिए जो विधि है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, BMI की गणना करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ओके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।